हेलो गाइस। सो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया था। तो अब देखिए, मैंने उसको काट दिया था, चूंकि देख मैंने पूरा पूरा उसको कट कर दिया था और मैंने विंडो क्लोज भी कर दी थी। तो देखते हैं कि वो डेटाबेस जो जहां पर मैंने छोड़ा था वो वहीं पे है क्या। तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, ये हर बार स्टार्ट करने पर पासवर्ड मांगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी डेटाबेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो देखिए, जो डेटाबेसेस हैं चेतन, लर्न, ये सारे डेटाबेसेस मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो ये वहीं पे है, और मैंने आपको लास्ट जो बताया था वो बताया था यूज डेटाबेस, किस तरीके से हम एक नए डेटाबेस को यूज करते हैं। सो उसके अंदर मैंने बताया था कि यूज चेतन एक डेटाबेस है, इसके अंदर उसको यूज करना है तो डेटाबेस हैज चेंज। अगर मैंने चेतन यूज ना करके लर्न यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ यूज LERN, और देखिए यहाँ पर उसके अंदर आ गया मैं। अब अगली जो क्वेरी है वो मेरे पास में है, अगली जो क्वेरी है वो है कि इफ आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग। ओके, सो फोर्थ नंबर की जो क्वेरी है वो है कि इफ आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, हाउ टू डिलीट डेटाबेस, एक डेटाबेस को मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ। देखिए, डेटाबेसेस अलग हैं, तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट किया है, मैंने मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। चार डेटाबेस बाय डिफॉल्ट होते हैं, दो डेटाबेस चेतन और लर्न मैंने क्रिएट किए हैं। अगर मेरे को उनमें से अब डिलीट करना है किसी एक को तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास में कमांड है ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस और उसका नाम। यहां पर ये वाला डेटाबेस देना जरूरी है, यूज में देना जरूरी नहीं था, ठीक है। सो इसका कमांड ऐसे होगा, तो मैं कैसे करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, और चूंकि मैं चेतन को डिलीट कर रहा हूं तो चेतन। तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूं। सो डिलीट ड्रॉप डेटा बेस चेतन, और देखिए क्वेरी सही है, क्वेरी ओके, जीरो रोज अफेक्टेड। हम देखते हैं, आप शो डेटाबेसेस देखते हैं, तो अब बाकी कितनी और डेटाबेसेस हैं। देखिए चेतन यहां से डिलीट हो गया, अब मेरे को लर्न को भी डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस LERN। तो ये कह रहा है कि भैया जो लर्न नाम का जो डेटाबेस है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। तो अगर आप देखे एक बार और, मैं अगर ड्रॉप करूंगा इसको, ड्रॉप डेटाबेस चेतन, अगर मेरे को फिर से अगर चेतन को डिलीट करना है तो ये दिखाएगा एरर, ये कहेगा कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस चेतन, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है वहां पर। अगर कोई डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप उसको डिलीट क्या करोगे। तो उसके लिए आपको वो भी है। अच्छा, एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है और क्रिएट करते समय अगर आप एक जैसे दो डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मेरे को क्रिएट करना है क्रिएट डेटाबेस चेतन, और एक और मेरे को क्रिएट डेटाबेस चेतन, तो हियर मैं दो डेटा एक जैसे डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता हूं। ये कह रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस चेतन, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरे को करना है तो मैं दूसरे नाम का, किसी और नाम का डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अगर आपका कोई भी डाउट है यहां तक तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला टास्क था कि हमें एक डेटाबेस बनाना था, हमने एक डेटाबेस बनाया और हमने वो डेटाबेस डिलीट भी किया। अगर मेरे को फिर से इस चेतन को भी डिलीट करना है तो कैसे करूंगा, डिलीट ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस चेतन, ये मेरा हो जाएगा ड्रॉप। अब कितने और बचे हुए हैं, शो डेटाबेसेस करके मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये है अपना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, फिफ्थ नंबर पे बता देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट
अ टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस क्या होता है, मल्टीपल हमारे पास में डेटा सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, और उन डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास में आता है कमांड क्रिएट, सॉरी इसको सही से लिख देता हूँ, क्रिएट CREATE क्रिएट टेबल, कोई भी नाम आपको देना है, टेबल का नेम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको मेन कमांड में ये जो मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नाम दे दीजिए। फिर आपको कॉलम, तो जितने भी लोग सी प्लस प्लस यहाँ पर सी या सी प्लस प्लस के हुए हैं तो वो चीज आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्रैकेट देना है, ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखने हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम। सो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे कॉलम वन का डेटा टाइप, उसका टाइप लिखना है हमें, उसका नाम और उसका टाइप लिखना है, ठीक है। कॉलम टू, उसका नाम और उसका टाइप लिखना है अपनों को। फिर ऐसे ही कॉलम थ्री, टाइप डेटा टाइप उसका कि भाई कौन से डेटा टाइप का होगा। अब आपका ये डाउट है कि भाई कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ कॉलम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर ये होते हैं हमारे पास में वेरिएबल्स। सो ये वेरिएबल्स होते हैं कॉलम वन के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं नेम दे सकता हूँ, फिर मैं आईडी दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई और कुछ एड्रेस दे सकता हूँ, यहाँ पर सिटी दे सकता हूँ, कंट्री। तो ये सारे क्या हो गए, कॉलम के नेम हो गए। तो ये अपनों को यहाँ इस ब्रैकेट में देना पड़ेगा उसके डेटा टाइप के साथ में, और एट लास्ट हमें ये सेमी कॉलन लगाना भूलना नहीं है। सेमी कॉलन सेम जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में हम करते हैं, वो सब चीजें सेम है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देखिए कुछ स्ट्रक्चर जैसा नहीं लग रहा है, स्ट्रक्ट, फिर बाद में उसका हम नाम देते हैं, फिर बाद में उसके अंदर हम मेंबर्स लिखते हैं, सेम वैसा ही है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके अंदर फिर बाद में हम बता रहे हैं कि कौन कौन से हमारे डेटा टाइप हैं। तो इसको करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। CRE क्रिएट, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि एक सबसे पहले मेरे को एक टेबल वो बनानी है, डेटाबेस बनाना, तो डेटाबेस बना देता हूँ मैं जल्दी से। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, मैं किस नाम से बनाऊँ, लर्न नाम से बना देता हूँ, लर्न, ठीक है। और फिर बाद में मैं कर देता हूँ यूज लर्न, लर्न को हम यूज कर रहे हैं तो यूज लर्न। उसके बाद में मैं आगे करता हूँ, आपकी टेबल बनाता हूँ। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा यूजर करके एक टेबल बना देता हूँ, यूजर, ठीक है। तो यूजर करके एक टेबल बनाती, फिर मैं एक ब्रैकेट लगाया मैंने, ये इसके अंदर मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्रिएट टेबल, यूजर टेबल का नाम, फिर इसके अंदर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स देता हूँ। तो सबसे पहला वेरिएबल है मेरे पास में आईडी, तो आईडी जो होता है वो इंट डेटा टाइप का होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये 11 होता है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो साइज होती है उसकी। और एक और चीज हम लिख देते हैं यहाँ पर प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हम लिखते हैं, इसकी मदद से ये हो जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो डेटा टाइप है इसके अंदर डुप्लीकेट हम नहीं डाल सकते, डुप्लीकेट अवॉइड करता है कि आईडी अगर आपकी है तो हर एक यूनिक पर्सन की एक यूनिक आईडी होगी। सपोज मेरी आईडी नंबर है 1, तुम किसी और का होगा 2, फिर 3, 4, किसी दो पर्सन की सेम आईडी नहीं हो सकती, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लिखते हैं प्राइमरी की। तो आईडी उसका डेटा टाइप, अगर प्राइमरी की लगा दिया मैंने
तो उससे वो डुप्लीकेसी अवॉइड करेगा, ठीक है। फिर बाद में मैं लिखूंगा नेम, नेम कैसा टाइप होता है, कैरेक्टर होता है, तो वेर कैर, वेरिएबल कैर, ठीक है। इसकी साइज मेरे को देनी पड़ेगी, इसकी साइज है मान लीजिए मैं 100 तक दे सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई पोर्शन आपको वो आप नहीं चाहते हो कि खाली छूटे, कोई पोर्शन है वो आप नहीं चाहते हो कि भाई ये पर्टिकुलर पोर्शन खाली छूटे, तो उसमें आप लिख दीजिए नॉट नल। तो यूजर को वहां पर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, अगर वो अगर नहीं डालेगा उसके अंदर तो वो एरर दिखाएगा। फिर सिटी पोर्शन आ गया, सिटी एक और वेरिएबल है जिसको हम जिसका डेटा टाइप है वेर कैर, ठीक है। और यहां पर मैं दे देता हूँ 50, ठीक है। और इसको भी मैं कर देता हूँ नॉट नल, इसको भी कर दिया मैंने नॉट नल, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए क्वेरी है हमारी ओके, कोई एरर नहीं आया, 0 रो अफेक्टेड, कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुई। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर टेबल देखनी है तो कैसे देखूंगा, शो टेबल, टेबल को मैं कर देता हूँ शो टेबल, सॉरी शो टेबल्स, इसका कमांड है शो टेबल्स। तो मेरे पास में टेबल्स इन लर्न, लर्न के अंदर जो टेबल है वो एक ही टेबल बनाई है मैंने यूजर। मैं एक और टेबल बना सकता हूँ इसी तरीके से, एक और टेबल बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अगर मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूजर के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और उनका डेटा टाइप कौन कौन सा है, तो मेरे पास में एक और जो कमांड है मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर सबसे पहले। तो एक और कमांड जो मैंने अभी दिखाया बताया आपको वो था 6 नंबर का कमांड था, वो था टू शो द टेबल। अगर मेरे को टेबल्स देखनी है तो मैं सीधा कमांड यूज करूंगा शो टेबल्स, ठीक है। सेवंथ हमारा है, अगर आपको देखना है टू सी हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इन दी टेबल, टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, या फिर आपको डिस्क्राइब करना है टू डिस्क्राइब देम, उनको अच्छे से डिस्क्राइब करो। तो आप कुछ नहीं, आप ये कमांड यूज करो cmd डिस्क्राइब, dsc का मतलब है डिस्क्राइब, और उस टेबल का नाम लिख दो, ठीक है, डिस्क्राइब और टेबल का नाम, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं अपन, डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या है, मैंने यूजर दिया था, सो यूजर, सो ये आपका डिस्क्राइब कर देगा। तो इसके अंदर फील्ड कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है और सिटी है। आईडी का टाइप क्या है, इंट टाइप है, नल नो, की कौन सी है, प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब ये कोई भी वो नहीं हो सकता, डुप्लीकेसी यहाँ पर नहीं आ सकती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नल है। और यहाँ नेम के अंदर ये नल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर देना ही पड़ेगा, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। आईडी को तो ऑफकोर्स खाली छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है, तभी तो प्राइमरी की उसका टाइप है। सो प्राइमरी उसका टाइप होने की वजह से उसको खाली आप छोड़ ही नहीं सकते। आप नेम और सिटी को भी प्राइमरी बना सकते हो, अगर नेम और सिटी को प्राइमरी बनाओगे तो एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते फिर बात है वहां पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कॉलम है। अब मान लीजिए कि मेरे को ये पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप करना है, वहां पर तो था डेटाबेस को ड्रॉप करना था, तो ड्रॉप करना था मतलब डिलीट करना। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मेरे को पर्टिकुलर ये जो मैंने टेबल बनाई है यूजर, इसको ड्रॉप करना है, सो टू ड्रॉप दी टेबल, अगर मेरे को इस टेबल को ड्रॉप करना है, या फिर टू डिलीट दी टेबल, यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा यहाँ डिलीट होगा, टू डिलीट द टेबल। तो कमांड क्या है हमारे पास में, आप ये कमांड लिख लीजिए, ये कमांड है ड्रॉप टेबल और उसका नाम, टेबल का नाम, ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस उस डेटाबेस का नेम, ठीक है, और ड्रॉप टेबल उस टेबल का नाम, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पर ड्रॉप हमारे पास में टेबल है, टेबल, और टेबल का नाम क्या है हमारे पास में, ये टेबल का नाम है हमारे पास में यूजर, सो यूजर को ड्रॉप कर दिया मैंने,
तो ये डिलीट हो गई। अगर मेरे को देखना है कितने नंबर ऑफ टेबल हैं, तो शो टेबल्स, अगर मैं टेबल्स शो करूंगा तो एम्प्टी सेट, यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर जब मैंने कमांड दिया शो टेबल्स में आया था टेबल्स इन लर्न, तो जितनी भी टेबल्स थी इस लर्न नाम के डेटाबेस में वो निकल के आ गई थी हमारे पास में। तो उस जगह पर थी यूजर नाम की टेबल, तो वो यूजर नाम की टेबल मेरे पास में निकल के आ गई थी। सो होप टिल हेयर यू हैव अंडरस्टूड। सो आप यहाँ तक समझ चुके हो। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ, एक और टेबल बनाता हूँ। सो क्रिएट करके मैं एक और टेबल बना लेता हूँ। अब मेरे साथ में मतलब एक साथ लगे रहिए गाइस, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप करते रहिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, इस बार मैं फिर से कुछ नया नेम देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक नया नेम दे दिया, वहां पर आपका यूजर दे दिया, ठीक है, यूजर ही फिर से ले लिया, ठीक है। सो फिर से मैंने यूजर लेकर क्रिएट टेबल यूजर जो लास्ट बार बनाया था उसी को मैं ले लेता हूँ, उसी से मैंने वापस से क्रिएट कर लिया। तो अब मैं फिर से देखना चाहूंगा कि शो टेबल्स कितने नंबर ऑफ टेबल्स है, तो हमारे पास में आ गई ये यूजर। और अगर मेरे को डिस्क्राइब करनी है इसको, सो डिस्क्राइब टेबल्स करके अगर मैं डिस्क्राइब यूजर करूंगा तो ये आ गया यूजर। अभी मेरे को मान लीजिए कि मेरे को इसको नाम चेंज करना है, अगर मेरे को इसका नाम यूजर से हटाकर कुछ और नाम देना है, इसी टेबल का नाम जो है 8 नंबर का लिख लेता हूं मैं, इफ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ द डेटा, नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द टेबल, अगर टेबल का नाम मेरे को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा। मेरे पास में एक कमांड है ऑल्टर, ऑल्टर पहली टेबल और उसका नाम, ठीक है, उसका ओल्ड नेम, और फिर है मेरे पास में रीनेम, रीनेम टू न्यू नेम, ठीक है। तो मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सो है मेरे पास में ऑल्टर टेबल, आपका ओल्ड नेम था यूजर, ठीक है, यूजर आपका ओल्ड नेम था और मेरे को उसको देना है नया नाम। सो रीनेम टू कोई भी नाम, मान लीजिए स्टूडेंट नाम देना है मेरे को, ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने दे दिया उसका। और यहां पर देखिए, अब मैं देखूंगा शो टेबल्स करके, तो आप देख लीजिए यहां पर जो यूजर आ रहा था, ये यहां पर ऊपर यूजर आ रहा था, अब क्या आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। तो ये मैंने नाम चेंज कर दिया। अगर मेरे को कोई और नाम देना है, तो मान लीजिए मेरे को कोई और नाम देना है, स्टूडेंट की जगह मेरे को देना है, अब चूंकि इसका नाम है यूजर नहीं रहकर स्टूडेंट हो गया, तो ओल्ड नेम है इसका स्टूडेंट, और स्टूडेंट से वापस इसका नाम रीनेम टू, मेरे को यूजर चाहिए, रीनेम टू यूजर, या यूजर वन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं शो टेबल करूंगा तो यहां पर नया नाम आ गया यूजर वन। तो मैं इसको वापस से इसका नाम कर देता हूँ, यूजर वन से स्टूडेंट कर देता हूँ, शो नेम स्टूडेंट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सो आगे अपने पास में टू डिलीट और ट्रंकेट ओनली द डेटा फ्रॉम द टेबल, नॉट द टेबल। इफ यू वॉन्ट टू डिलीट समथिंग और ट्रंकेट समथिंग, ओनली द डेटा, ओनली द वेरिएबल कह सकते हो, डेटा, डेटा पोर्शन फ्रॉम द टेबल, नॉट द टेबल, टेबल को डिलीट नहीं करना है,
टेबल के अंदर कोई डेटा है, मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर आईडी डिलीट करनी है, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए अब हमारे पास में कमांड है, कि आप क्या करो, ट्रंकेट, ट्रंकेट करके हमारे पास में कमांड है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। हमारे पास में जितने भी है आईडी वगैरह जो भी है ये हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट टेबल और उसका नाम, टेबल का नाम, ठीक है? तो मैं करके दिखाता हूँ, ट्रंकेट स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट, ठीक है? सो मैंने ये जैसे ही किया, अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करने को बोलूंगा तो डिस्क्राइब स्टूडेंट अगर मैंने किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे जितना भी डेटा था वो वापिस से वो हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर ट्रंकेट डेटा स्टूडेंट करते ही मैंने जितना भी डेटा था वो डिलीट हो जाएगा। अगर मेरे को अब इंसर्ट करना है कोई डेटा उसके अंदर, तो मैं वो कैसे करूंगा, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जितने भी हमारे पास में इससे एसोसिएटेड वेरिएबल थे, उसके एसोसिएटेड जो मतलब डेटा था, वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, उस पूरा नल हो जाएगा, ठीक है? सो ये पूरा डेटा नल हो जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा शो स्टूडेंट, अगर मैं करूंगा शो स्टूडेंट, सॉरी ये अपना गलत है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एसटीडी स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट आ रहा है। अगर अब मेरे को कोई और डेटा इसके अंदर देना है तो वो कैसे देंगे? अच्छा, यहाँ तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो जो अगला जो पोर्शन है इंसर्ट वाला, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। इफ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट, ओके? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।